दिस। नमस्ते सर। नमस्ते सर माय क्वेश्चन इज के एचआईवी कैन हील ओनली थ्रू डीएपी डाइट्स और नॉट। या फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज नथिंग कॉल्ड एचआईवी एड्स, देर इज समथिंग कॉल्ड एड्स, राइट। एड्स तो होता है लेकिन वो एचआईवी से होता है क्या, ये एक सवाल है, राइट। तो आज का मेरे लेक्चर का एक पार्ट मैंने एड्स पे रखा है कि एड्स है, पेशेंट तो है ही एड्स के, लेकिन क्या वो एचआईवी एड्स बोलेंगे, नंबर वन। अगर है तो उसका सोल्यूशन क्या, नंबर टू। इट इज अ वन गुड पार्ट इन द टूडेज लेक्चर, सिंस इट इज देयर सो आई विल अवॉइड इट नाउ। ओके, हेलो सर। सर मेरे पापा सुबह उठते हैं उसको चक्कर आ जाते हैं और वो गिर जाते हैं, इतने चक्कर आते हैं। डॉक्टर ने सीटी स्कैन करवाया तो बोले कि या कान के पास जो वेन है वो प्रेस हो रही है। हाँ। अगर एक दिन भी दवाई ना ले तो वापस चक्कर चालू हो जाते हैं सर। हाँ। तो क्वेश्चन आपका पूरा है ना? हाँ। ओके, इसमें देखिए वो जो डायग्नोस किया वो ठीक ही होगा कि क्योंकि चक्कर आ रहे हैं, सिम्टम तो है ही, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है और ऊपर से डायग्नोस्टिक भी ये बता रहे हैं, तो ये मान लेते हैं कि वो प्रेस हो रहा है। तो ठीक से सप्लाई नहीं हो रहा, जब भी सप्लाई डिस्कंटिन्यू होगा तो चक्कर आएगा फॉर ए मोमेंट। अब इसको ठीक कैसे करना है, ठीक करने का तरीका यही है कि जब व्हेन द बॉडी प्रोड्यूस एनफ अमाउंट ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, उसके लिए देयर इज अ डाइट, हार्ट डिजीज डाइट। हालांकि हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है लेकिन ब्लड वेसल की प्रॉब्लम है, नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रॉब्लम है। तो आज के उसमें जो हार्ट डिजीज डाइट है विच इज वेरी क्लोज टू डीआईपी डाइट ओनली विद लिटिल मॉडिफिकेशन, तो वो करेंगे तो कैसे पता चलेगा ठीक हो रहा है कि नहीं। वो तो ऐसे कि चक्कर होना जब बंद हो जाएगा इसका मतलब वो खुल गया है, लेकिन उसको खुलने में भी 3-4 महीने लग सकते हैं, ठीक है ना। तो सेफ ये है कि पहले तो 1 महीना अलॉन्ग विद द मेडिकेशन यू डू इट, राइट। अलॉन्ग विद द मेडिकेशन यू डू द डाइट स्ट्रिक्टली एंड आफ्टर 1 month यू कैन थिंक ऑफ टेपरिंग द मेडिकेशन टू सी सम रिजल्ट। इट इज सीन 30 डेज लगते हैं टू गेट सम बेनिफिशियल इफेक्ट। सर मेरे भाई को डॉक्टर नेक्स्ट सर प्लीज एक नो 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 तो उनका पूछना था ना आपको। नेक्स्ट सर नमस्ते। नमस्ते सर, मेरा 3 सवाल थे लेकिन एक ही पूछता, 2 के जवाब मिल गए। मैं खुद डॉक्टर हूँ, अकोला महाराष्ट्र से हूँ, एलोपैथी और होम्योपैथी की प्रैक्टिस करता। मेरे सिर में ऐसी 2 सिस्ट है करीबन 2004 से, तो 2-3 सर्जन को बताया, उन्होंने निकालने का बोला, कुछ होम्योपैथिक दवा भी लिया, आयुर्वेदिक ऊपर लगाने के भी लिया, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया। देखिए ये जो पोर्शन है बड़ा ही डेलिकेट है, यहाँ कुछ भी हो जाए तो आपको छेड़ना नहीं है, ये नंबर 1 रूल है, छेड़ना नहीं है उसको। छेड़ना कुछ ऐसे ही होगा या सर्जरी करना कुछ ऐसे ही होगा कि आपका टीवी खराब हो गया, आपने 2 साल के बच्चे को दे दिया, ठीक करके दिखाना जरा, ठीक तो वो कर ही नहीं पाएगा, कुछ गड़बड़ जरूर कर देगा, ठीक है ना। तो छेड़ना नहीं है इसको, नंबर 1। अब आता है कि करें क्या, तो देखना है कि क्या ये और ग्रो कर रहा है, अगर तो वो स्थिर है नीड नॉट टू वरी, और अगर लगता है कि थोड़ा ग्रोथ बढ़ रहा है तो नीड टू वरी। तो बड़ा है तो क्या है कि फिर ट्यूमर को कैसे कम करें, उसका डाइट आज अमंग द 61 डिजीज विच आई एम सेइंग इट इज देयर, तो ट्यूमरस ग्रोथ को रिटार्ड कैसे करें, सो यू गो फॉर दैट एंड इट शुड रिटार्ड एंड दैट इज द ओनली होप, सेफर होप, बट डोंट अलाउ एनीबॉडी टू टच और इंटरफेयर विद इट। नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये आरए फैक्टर जो रहता है तो वो पॉजिटिव आ गया बॉडी में का, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? आरए फैक्टर को पॉजिटिव आके सिम्टम क्या है? बेंड नहीं होता सर, हाथ वगैरह, लेग्स वगैरह उनका। हाँ, फिर तो पॉजिटिव भी आ रहा है, बेंड भी नहीं हो रहा, तो हमें पहली बात तो ये कि डायग्नोस्टिक की जरूरत ही तो पड़ती है, जब वैसे बेंड नहीं हो रहा तो आरए फैक्टर पॉजिटिव आ गया। तो देखिए इसमें ये कि ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स है इसका, बॉडी इज ऑटो इम्यून, बॉडी अपने आप से लड़ रही है, पहले भी मैंने 2-4 बार बताया। और बॉडी की ऑटो इम्यूनिटी 3-4 चीज से ही होती है, एनिमल प्रोटीन से होती है, ग्रेन्स गेहूं से होती है, रिफाइंड फूड से होती है। तो आपके केस में या उस पेशेंट के केस में इनमें से कौन सा है या तीनों है वो कैसे पता चलेगा, जब ये तीनों को छोड़ देंगे, देखते हैं कि अब बेंड हो रही कि नहीं हो रही है, राइट। या बेटर है कि डीआईपी डाइट में आने का मतलब ही कि तीनों को छोड़ना। ओके थैंक यू सर। नमस्कार सर, मैं रंजित बैंगलोर से, लाइक आई नीड टू नो योर ओपिनियन ऑन अ फ्रूट, इंडियन फ्रूट बेसिकली, दे कॉल इट एज लाइक मोरिंडा सिट्रिफोलिया, व्हाट्स योर व्यू, लाइक आल्सो लाइक फेमस बाय द नेम नोनी, so what's your view on that fruit? They say that it contains 174 plus nutraceuticals, so the view, my view for any particular fruit is that all fruits are equally important,
किसी एक फ्रूट में ज्यादा कोई न्यूट्रिशन है तो ऐसा मैंने देखा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर, इसलिए आपने देखा कि इन तीनों दिनों में आई डू नॉट से ईट दिस और ईट डोंट दिस, आई जस्ट से फ्रूट्स, ठीक है ना, कि हर जगह सारे फ्रूट है नहीं, नो नहीं, हर जगह मैंने तो नहीं खाया अपने जीवन में, ठीक है ना, जिस जगह आप रहते हैं ज्योग्राफिकल एरिया में वहां जो फ्रूट ग्रो कर रहा है दैट इज द बेस्ट थिंग विच विल हेल्प मी. फर्स्ट यू आस्क कि मैं जहां पे रहता हूं क्या वहां पे ग्रो होके आया है, इफ द आंसर इज नो प्रॉब्ली यू डोंट नीड इट. लेकिन उसको खा लेंगे तो कुछ नुकसान हो जाएगा ऐसा नहीं बोल रहा मैं, लेकिन उसको उसके बिना नहीं चलने वाला ऐसा नहीं है. सो माई ओपिनियन टू योर क्वेश्चन इज देर इज नथिंग सो स्पेशल अबाउट अ पर्टिकुलर फ्रूट, इट इज गुड एज गुड एज ऑरेंज एज गुड एज मैंगो. थैंक यू. Namaste sir. Namaste. My name is Soumya from Bangalore. Yes. My question is that my father is a diabetic patient from past 20 years. 8 years ago his right leg ka sara fingers jo gangrene ke wajah se cut ho gaya hai aur wo wound abhi tak pura bara nahi, matlab wound nahi rehta hai par normal skin nahi aaya hai, wo rough skin hai jo girte rehta hai powder powder jaisa. तो उसके लिए क्या करना है और उससे क्या कुछ प्रॉब्लम हो सकता है? प्रॉब्लम तो हो सकता है, दोबारा एक तो पहले ही एम्पुटेशन हो गया है. हाँ. और दोबारा एम्पुटेशन होगा ज्यादा कुछ होगा तो फिर दिक्कत होएगी. तो करना क्या है दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. आपको याद होगा डे वन में मैंने बताया था वुंड प्रोटोकॉल, वुंड हीलिंग प्रोटोकॉल, इसमें शुगर लेवल को 200 से नीचे रखना है. उसके लिए चाहे इंसुलिन थोड़ा बढ़ा दो, शुगर लेवल डीआईपी डाइट राइट प्लस वुंड हीलिंग प्रोटोकॉल, ठीक है ना. तो आज इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट का डीएपी डाइट अलग है. वो इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं है. नहीं है. हाँ, तो नहीं उनका है. ब्लड शुगर कितना रहता है? वो उसका एचबीए1सी 6.5 से 7 रहता है. फिर तो ठीक है, फिर तो उनके ब्लड शुगर तो 200 से नीचे वैसे भी है. हाँ. है ना. तो उनको सिर्फ ये है कि डीआईपी डाइट पे स्ट्रिक्टली रहना है. हाँ. और ऑल्दो ही इज नॉट इंसुलिन डिपेंडेंट, लेकिन फिर भी डीआईपी डाइट इंसुलिन डिपेंडेंट वाला जो है दैट इज ए स्ट्रॉन्गर डाइट. स्ट्रॉन्गर मीन्स उसकी हीलिंग कैपेसिटी ज्यादा है. उस डाइट पे रहेंगे, सनलाइट रहेगा, वो थोड़ा एयर का फ्लो रहेगा उधर, और हाइजीनिक मतलब ज्यादा पट्टी वगैरह बांध के उसको कुछ ही लोशन लगाएंगे वो सब नहीं करेंगे तो चांसेस हैं स्किन जल्दी से आ जाए. क्या और उसका क्रिएटिन जो है वो वेरी होता रहता है और पोटेशियम 5.5 से 6 इतना रहता है. आप इस डाइट पे रखिए, फिर देखिए कि आप क्रिएटिनिन का स्टेटस क्या है, आप प्रोटीन का स्टेटस क्या है. थैंक यू सर. नमस्कार सर, मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर सिंह पंजाब से आया हूँ. आपसे मिलने आया था, 4 घंटे मिल लिया तो मैं कोई नो क्वेश्चन पास कर रहा हूँ. सर मैं रायपुर से आया हूँ. मेरे को एलर्जिक राइनाइटिस, अस्थमा, हाइपोथायराइड, बीपी और डायबिटीज, ये सब का मेडिसिन चल रहा था. तो आपके वीडियोस वगैरह देखने के बाद मैंने कुछ दिन तक, करीब एक हफ्ते तक मेडिसिन बंद करके देखा तो शुगर लेवल 300 तक जाता है. तो मैं ये पूछ रहा था इस स्थिति में शुगर के मेडिसिन इमीडिएटली स्टॉप कर सकते हैं या थोड़ा टेपरिंग करना पड़ेगा? देखिए हमारे केस में जब पेशेंट हमारे पास आता है टैबलेट कोई भी हो कितना भी डोज हो हम तो इमीडिएटली स्टॉप कर देते हैं और उनको डाइट पर रख देते हैं. अब मॉनिटर करते हैं कि एक्सपेक्टिंग कि 250 से नीचे रहेगा, लेकिन देखा कि 250 से नीचे नहीं, वो तो 300 है जैसे आपकी केस में, तो हम उसको लोअर डोज छोटा डोज देते हैं ताकि वो थोड़ा सा नीचे आ जाए. तो आपको टेपर करके, टेपर कितना करना पड़ेगा ये तो हिट एंड ट्रायल मेथड ही है इसमें. आप रूल ऑफ थंब आधा करके देखिए आप कितना रहता है. अगर वो 200 से नीचे चला जाए कि आधा ज़्यादा हो गया फिर और कम करना पड़ेगा. तो इस तरह से अगर 300 रहता है तो दवाई के सहारे से 1 महीने डाइट पे रहेंगे तो उम्मीद है कि बिना दवा के 250 से नीचे आ जाएगा. फिर एक बार मैंने जो दवाइयों से उसका 5.3 आ गया था HbA1c, तो उसके बाद मैंने टेपर करने शुरू किया, एक मेडिसिन बंद कर दिया. तो अभी इस बार देखा तो HbA1c 9 आ गया. देखिए अभी जो नया प्रोटोकॉल है उसमें ये लिखा है आपकी उम्र के लोगों के लिए, 60 इयर्स या उससे अबव के लोगों के लिए, कि जो HbA1c है दवाई के साथ 6.5 से कम नहीं होना चाहिए. याद रखिए HbA1c दवाई के साथ 6.5 से कम नहीं होना चाहिए. लेकिन आपका तो 6.5 से कम आ गया था ना? आ गया था. हाँ, तो यानी कि आपका दवाई का डोज ज्यादा ले रहे थे जी. तो वो ज्यादा ले रहे थे और छोड़ दिया तो 9 आ गया, तो इतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए.
आपके एज में HbA1c 8.4 से नीचे रहेगा तो इट इज गुड। तो 8.4 से नीचे रखने के लिए मुझे लगता है कि डाइट के साथ थोड़ी सी दवा की जरूरत है, उतनी भी नहीं जितनी अभी ले रहे हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून, सुभाष मिश्रा मधुबनी बिहार से सर। माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ, पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी रन कर रहा हूँ सर। प्रॉब्लम यह है कि बचपन से ही हमेशा जॉन्डिस रहता है सर। अच्छा। बिलरुबिन का लेवल हमेशा 3.4 ऐसा रहता है। अपना करियर भी पैथोलॉजी में बनाया, टेस्ट करा, HP इलेक्ट्रोफोरेसिस, पता चला थैलेसीमिया माइनर है। कई बार डॉक्टरों से लंबे समय तक ट्रीटमेंट चलता रहा, एक एक महीने हॉस्पिटल में एडमिट रहा। बाद में एम्स में जब गया तो वहां पता चला थैलेसीमिया माइनर है, आपको हमेशा मेडिसिन लेना होगा, जेविट, मल्टीविटामिन एंड फॉलिक एसिड। काफी स्टडी किया, बाद में पता चला कि ये सारे जो भी मेडिसिन है वो हेमोग्लोबिन जो सिंथेसिस ब्रेकडाउन हो रहा है इनिशियली, उसको ब्रेक करने का। फिर मैंने कुछ चीजों को समझते हुए, नीड समझते हुए, सारे को लेता रहा। अभी रिसेंटली आपके एक फ्रेंड राणा जी मुझे मिले मेरे ऑफिस में, फिल्म डायरेक्टर, तो उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया। और एक महीने पहले मैंने कुछ वीडियोस देखा जिसमें मैंने देखा DIP डाइट के बारे में, मुझे बहुत खुशी है। पिछले एक महीने से मैंने कोई मेडिसिन नहीं लिया और मैं बहुत हैप्पी हूँ, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या होता है सर, ये भी एक शेयर करना जरूरी है। जब काफी हॉट होता है सिचुएशन जून जुलाई में, मुझे वर्टिगो आता है, चक्कर आता है, फिर मैं ग्लूकोज पीता हूँ, मैं ठीक हो जाता हूँ सर। क्या करना चाहिए? अब ऐसा नहीं, एक तो ये है कि इस तरह के चक्कर आते हैं तो ऐसे लोगों को फ्रीक्वेंटली भूख लगने से पहले ही आपको कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए। जिनको हेडेक होता है, जिनको चक्कर आता है, दैट मींस कि ब्रेन का ग्लूकोज लेवल जैसे ही कम होगा, दैट विल रिस्पॉन्ड एज ए चक्कर और दैट विल रिस्पॉन्ड इन सम काइंड ऑफ डिस्कम्फर्ट, हेडेक काइंड ऑफ थिंग्स। तो सोल्यूशन ये है कि फ्रीक्वेंट ईटिंग, तो क्या खाना चाहिए? फ्रूट्स, जैसे केला आप हमेशा साथ में रखिए, और या फिर डेट्स, खजूर, या फिर बादाम, जैसे मैंने पहले बताया, इनमें से कोई भी चीज या सारी चीजें साथ में रखिए, हर एक घंटे डेढ़ घंटे में उसको चबाते रहिए। वो कहते हैं आयरन कंटेनिंग फूड नहीं खाना है। नहीं नहीं, इग्नोर दैट व्हाट दे से, वो तो आपने, वो जो कहते हैं वो आपने इतने साल करके देखा ही, राइट? अब नहीं भी करके देखा तो भी देखा क्या हुआ, राइट? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हेलो सर, मैं डॉक्टर अमरनाथ पांडे। सर, DIP डाइट से एजोस्पर्मिया क्योरेबल है या नहीं? एजोस्पर्मिया, व्हाट इज दिस सर? अब्सेंट ऑफ स्पर्म, स्पर्म काउंट अब्सेंट होता है, तो बहुत से पेशेंट आते हैं क्लिनिक में, तो ये क्योरेबल है कि नहीं सर? इसमें हाँ या ना में जवाब देना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। मैं इतना बता सकता हूँ कि इनफर्टिलिटी में जो डाइट काम करती है वो आज आपको बताएंगे, वो पेशेंट को आप रिकमेंड कर देना, कितने दिन के लिए रिकमेंड करना है वो भी आज आपको पता चल जाएगा उस गेम के माध्यम से। और मैंने देखा है फायदा होता है, लेकिन अब हर एक के लिए कितना फायदा होगा ये थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है, बट दिस इज द सेफ एंड वे वन कैन ट्राई। ठीक सर, थैंक यू। नमस्कार सर, विश्व को डिसीजेस के बारे में सही रूप दिखाने विश्वरूप राय चौधरी को सलाम। थैंक यू सर। आई एम वर्किंग इन द एरिया ऑफ एक्यूपंक्चर व्हिच इज द ड्रगलेस थेरेपी। यस, वी हैव बीन ट्रीटिंग several people, we have been training several people since 5 years in Hyderabad, cosmic acupuncture ke naam se. Sir, drugless therapy and jo damage hone ke baad karne ka ya damage nahi ho aisa karne ka, ye 3 levels mein acupuncture kaam kar sakta hai sir. Yes, so we want to take your help in promoting acupuncture to the world because it's a drugless therapy, no side effects, एंड आसानी से सीख सकते हैं और कई लोगों को हेल्प कर सकते हैं। सो वी वॉन्ट टू वेलकम यू टू हैदराबाद सर। वंस आई बीन पोस्टेड माई एन ईमेल टू यूर टीम दैट यू शुड कम वंस एंड पुट सम लाइट ऑन टू दीज थिंग्स ऑल्सो सर। एंड फ्यू केसेस आई बीन लिसनिंग हियर लाइक ट्यूमर एंड ऑल एंड किडनी स्टोन्स एंड सेवरल डिसीजेस। हियर देर आर 4 ऑफ अस कमिंग फ्रॉम द, दे हैव ट्रीटेड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट्स without drugs. So I should share these things आपके सामने करना चाहता हूँ कि लोग उसके उसे जान ले और start relying on those things, sir. Yes, yes. I totally agree and I totally accept it and these things really works, including acupressure and acupuncture. And whenever you invite me, I'll try to come to Hyderabad. And Hyderabad तो मेरा birthplace भी रहा है। Oh, sir. एक और कारण है। Right. आप जो फीडबैक फॉर्म है उसमें आप लिख दीजिएगा जो आप बता रहे हैं। श्योर सर।
थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सर. नमस्ते. आई एम एडवोकेट रमेश गौर फ्रॉम द नागपुर. आई एम डायबिटिक सिंस 2007. आई एम फॉलोइंग योर दिस डीआईपी डाइट सिंस जनवरी 2008. रिसेंटली फ्रॉम 4 months आई एम हैविंग सम प्रॉब्लम. माय फास्टिंग शुगर इज इम्बैलेंस. इट इज समथिंग 201. तो इट इज वो चेंजेस हो रही है बार बार. अभी मैं 13 तारीख को चेकआउट किया मैंने. इट इज 201 बट HB1 AC है इट इज 7.8. नो व्हाट टू डू. यहाँ पे देखिए जो फास्टिंग ब्लड शुगर है दैट इज अनप्रिडिक्टेबल बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन विच वी विल नॉट डिस्कस टुडे. फास्टिंग ब्लड शुगर इज नॉट रिलायबल. इसीलिए अगर आपको रिलायबल करना है तो दो तरीके. या तो जो एवरेज ब्लड शुगर जो है वो देखिए 250 से नीचे आ रहा है. नंबर वन. नंबर टू, खाना खाने के 2 घंटे बाद का जो ब्लड शुगर है अगर वो 250 से नीचे है तो ठीक है. नंबर थ्री, HbA1c अगर 8% से नीचे है तो ठीक है. तो इनमें से कोई एक पैरामीटर HbA1c वाला पैरामीटर ज्यादा सही है. हाँ तो ठीक है. तो मतलब आपके जो पैरामीटर बताए उस पैरामीटर में चिंता की बात नहीं है. और मैं यही बोलता हूँ कि फास्टिंग में कई बार जो आता है ना ब्लड शुगर वो रिलायबल नहीं होता. उसके बेसिस पे हम कुछ डिस्कस नहीं कर सकते. उसके अलोन बेसिस पे HbA1c फिर भी ठीक है. नो नीड टू स्टार्ट. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. माय नेम इज संगे बसर एंड आई हैव ट्रेवल अ लॉन्ग वे डिस्टेंस फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश. मैं अरुणाचल प्रदेश से आया हूँ स्पेशली आपको देखने के लिए, लाइव एक्सपीरियंस करने के लिए. मैं पिछले कई सालों से आपका फैन, बहुत बड़ा फैन रहा हूँ और यूट्यूब में आपका चैनल फॉलो करता हूँ. बस मेरा यही इच्छा था कि मैं आपसे मिलूँ, आपसे बात करूँ और आपका जो लाइव ये कॉन्फ्रेंस है मैं उसको सुनूँ. तो मेरा इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू. और मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ. मैं आपको पहले भी एक किसी सज्जन ने बहुत अच्छा एक एडवाइस दिया है. आप बहुत डाउन टू अर्थ है, आप किसी से अच्छे से बात करते हैं, सबसे मिलते हैं खुल के. बट मेरा एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि आप अपना सिक्योरिटी का बिल्कुल ख्याल रखें. थैंक यू. सर मेरा नाम कन्हैया प्रसाद है. मैंने डैम फॉर्म भरा था आपका. सर एक कन्फ्यूज़न मेरा हो रहा है कि एक मेरा हेपेटाइटिस वायरल लोड के लिए आपको मैंने एप्लीकेशन दिया था तो आपने कन्फ्यूज़न मेरा दूर किया. लेकिन सर मेरे एक डॉक्टर, आयुर्वेद डॉक्टर हैं, वो कन्फ्यूज़न कर दिए हैं कि आपने जो मैकेनिकल वॉल्व लगाया है अगर आप दवाई नहीं खाएंगे तो वो खराब हो जाएंगे. मैकेनिकल वॉल्व पिछले साल मेरा प्रोसीडर हुआ था LV में. तो मैंने आपका 1 साल से DIP डाइट में ले रहा हूँ सर. तो मैं वो भी ब्लड थिनर और कोई भी मेडिकेशन नहीं ले रहा हूँ. 1 साल से मेरा बंद है. तो एक आयुर्वेद के डॉक्टर के पास मैं गया था वैसे ही हेपेटाइटिस वायरल लोड के लिए, जो आपने मेरा देखा भी था, मैंने फॉर्म में देखा होगा. तो उन्होंने बोला कि आप जो मैकेनिकल वॉल्व लगाए हैं वो आप मेडिकेशन नहीं लेंगे तो वो वॉल्व खराब हो जाएंगे. ऐसा नहीं है. वॉल्व कहीं भी लगे, एक तो वॉल्व वैसे भी खराब हो जाता है 5 साल में 4 साल में, ठीक है ना. अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो 6 साल में खराब होगा, ठीक है ना. वो खराब होने के लिए ही है. बॉडी उसको उसकी सर्विसिंग नहीं कर सकती बिकॉज वो बॉडी का पार्ट तो है नहीं. अच्छा. लेकिन उसकी सर्विसिंग कम से कम करनी पड़े, उसकी रिपेयरिंग कम से कम करनी पड़े या ना हो, उसके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी यही है कि आप इस प्रकार के डाइट में रहें जो ज़्यादा उस पर लोड ना देता हो. राइट. एंड दैट इज द काइंड ऑफ डाइट विच यू आर ऑलरेडी इन. 1 साल से मैं यूज कर रहा हूँ DIP डाइट. तो उसी पे रहिए, स्ट्रिक्टली रहिए. और इसलिए ज़्यादा रहिए क्योंकि आपके बॉडी में एक फॉरेन मैटर है. हाँ वही चीज मैं जानना चाह रहा हूँ कि बाद में प्रॉब्लम नहीं करेगा ना वो वॉल्व. नहीं प्रॉब्लम नहीं करेगा, वो प्रॉब्लम आने से बचाएगा. इट इज अदर वे राउंड. अच्छा अच्छा. तो कोई भी मेडिकेशन मैं नहीं ले रहा हूँ अभी. हाँ वो मेडिकेशन नहीं ले रहे तो बहुत अच्छा कर रहे हैं. और मेडिकेशन से कोई प्रोटेक्शन होगा ऐसा नहीं है. अच्छा. ब्लड थिनर जो मैं आपका जो बताते हैं गार्लिक वो ले रहा हूँ मैं रात में, तो ठीक है ना सर? वो ठीक है, फर्स्ट क्लास है. ठीक सर, थैंक्स. गुड आफ्टरनून राय चौधरी साहब. Myself Rajesh Karade. I am 58 years old from Nagpur. I was diagnosed with the diabetes 22 years back. And from 22 years, I am on medication. In 2009 and 2014, I had heart attack. And in 2014, stenting kiya gaya. Last year, just 4-5 months back, I had gone for my regular checkup and I was diagnosed my right kidney has
shrinked by 2 centimeters. Okay. Now I am consuming tablet, I am on tablet plus insulin, and I am consuming around 400 rupees of tablet per day, every day. For the last 3 months, I am on Dr. Dixit diet. Dr. Dixit, very popular now, it's Maharashtra. And my sugar has controlled, my diabetic is controlled. But heart and this kidney problem, they are disturbing me. Now what should I do, first thing? आप अभी भी इंसुलिन पे हैं? अभी भी इंसुलिन पे हूँ. फिर तो कंट्रोल में नहीं है, तभी तो इंसुलिन पे हैं, है ना? तो this means the diet is not working. मेरा आपसे ये सलाह है कि आज जो हम किडनी वाला डाइट है जो आपको देंगे, यू स्टार्ट विद दैट. एंड जब उस डाइट पे रहेंगे तो याद रखिए कि इमीडिएटली बॉडी रिस्पॉन्ड्स विद इन द फर्स्ट डाइट, पहले दिन में ही, तो आपकी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट उतनी नहीं रह जाएगी जितनी अभी आप ले रहे हैं, प्रॉब्ली आधी रह जाएगी, दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो यू हैव टू टेपर डाउन द मेडिकेशन एंड जीरो द मेडिकेशन एंड टेपर डाउन द इंसुलिन बाय एटलीस्ट 50%. तो एक बात और कि किडनी की सारी प्रॉब्लम ही होती है जब हम ड्रग्स पे रहते हैं, दवाई के बर्डन पे रहते हैं. तो जिस चीज़ की वजह से किडनी डैमेज हुआ, वही चीज़ से किडनी ठीक तो होगी नहीं. तो दवाइयों को माइनस करेंगे, किडनी एंड लिवर आर वर्स अफेक्टेड बाय मेडिकेशन. तो जब भी ऐसे कोई पेशेंट आते हैं, सबसे पहला काम तो यही होता है कि भाई दवाइयों से पहले तो हटा दो, जो कॉज था, सोर्स ऑफ कॉज, उसको हटा दो ताकि किडनी का बर्डन कम हो. बर्डन कम होगा तो उसके रिपेयर के चांसेस ज़्यादा होंगे. सो टू कंक्लूड, यू फॉलो द डाइट फॉर द किडनी विच इज़ अ वेरिएशन ऑफ DIP डाइट ओनली विच वी लर्न इन द आफ्टरनून इवनिंग शो. इट विल बी क्यूरेबल और इट विल प्रोसेस इज रिवर्सिबल. इट इज रिवर्सिबल प्रोसेस. इट इज वेरी मच रिवर्सिबल प्रोसेस. थैंक यू. हेलो सर. हेलो. कल आपने एक बात बोली कि पहले जैसे डायबिटीज का होता था, डायबिटीज में मेजर प्रॉब्लम्स आती थी और ये सब, अब अभी भी जिनका 90-100 ऐसा रीडिंग आ रहा है उसके बावजूद उनको डायबिटीज इंसिपिडस हो रही है, तो सर मैकेनिज्म जानना चाहूँगा, क्योंकि डायबिटीज इंसिपिडस तो ADH हार्मोन से इन्वॉल्वमेंट है. हाँ, तो कैसे मैकेनिज्म हो रहा है उसको मैं थोड़ा जानना चाहूंगा. उसका मैकेनिज्म जो है ना, उसके बारे में भी बहुत कंफ्यूजन है. कोई क्लियर कट अभी कुछ ऐसा है नहीं कि जो मैकेनिज्म बोले कि ऐसे हो रहा है या वैसे हो रहा है. एक तो बहुत कम लोगों को होता है, जो चीज़ बहुत कम लोगों को होता है उसका मैकेनिज्म जानना भी बड़ा मुश्किल है, ठीक है ना. और क्या है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि नॉर्मली मैकेनिज्म जानते कैसे हैं कि किसका क्या मैकेनिज्म है, वो रैट चूहों पे, बंदरों पे, वो इंड्यूस करके. लेकिन ये एक ऐसी बीमारी हो गई डायबिटीज़ आजकल की, जो बंदरों पे, चूहों को भी इंड्यूस करके ट्रायल करके मैकेनिज्म करेक्टली बताएं. जो भी मैकेनिज्म अवेलेबल है डेटा में, वो सिर्फ गैस वर्क है. देर इज़ नो रिलायबल डेटा विच कैन करेक्टली से व्हाट इज़ द मैकेनिज्म. तो मैकेनिज्म के बारे में कुछ ज़्यादा ना तो मुझे पता है, ना कभी उतना अभी रिवील भी हुआ है. क्योंकि सर हमने जो पढ़ा है डायबिटीज मेलाइटस में अलग कुछ थिंग्स हैं और डायबिटीज इंसिपिडस में अलग कुछ थिंग्स हैं. अलग है, बिल्कुल अलग है. दो आर सिर्फ नाम डायबिटीज है क्योंकि उनके सिम्टोमेटिकली सेम है. दे आर टू डिफरेंट थिंग्स. सो सर माय मेन क्वेश्चन इज, मेलाइटस से इंसिपिडस में कैसे कन्वर्ट हुआ? नहीं, मेलाइटस से नहीं कन्वर्ट हुआ. मेलाइटस से नहीं कन्वर्ट हुआ, ठीक है ना. वो डायरेक्टली हो गया. इंस्टेड ऑफ, जैसे मैंने बताया था कि किसी का शुगर हाई है तो बॉडी विल थ्रो द शुगर इन द ब्रेन, सो ब्रेन रिलेटेड डिजीज विल बिकम. मतलब हाउ द बॉडी टेक्स अप दैट शुगर, वॉट इट डज विद दैट, अकॉर्डिंगली यू विल हैव द इलनेस. सो वन कॉज मे गिव डिफरेंट इलनेस टू डिफरेंट पीपल. थैंक यू. नमस्कार सर. एक सिंपल सा सवाल है आपके लिए. यस. और माई माइंड इज गेटिंग समटाइम्स स्विच्ड ऑफ. इज इट ए प्रॉब्लम और इट्स समथिंग एल्स? Sometimes while taking any serious decisions, that time it's getting switched off. It's a problem or something else? It is not a problem. It is your preference, right? So maybe sometime you are in a trance mode, you are in thinking mode. Sometime it happens with all of us. हम सबके साथ ऐसा कभी होता है कि हम यहाँ बैठे हैं, दिमाग में कुछ और कहीं और चले गए, फिर अचानक हम तो कहाँ थे. This is something which we have been experiencing since childhood. But some of us takes this seriously, then keep a notice of it. ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इतनी सी बात है. But need not to worry, it is a normal thing. Thank you, sir. Jain sir, Hari Om. मैं especially from Dehradun,
और मैं असम राइफल्स में सर्विस करता हूँ, नागालैंड में रहता हूँ और पैरामेडिकल स्टाफ हूँ। तो सर मैं आपके पास, सबसे पहले तो मुझे बहुत बड़ी खुशी है आपसे बात करने की और आपसे मिलने का। थैंक यू। और मैं यहाँ पर लास्ट, मैं चाहता भी था कि सबसे लास्ट में मेरा नंबर हो, ऑटोमेटिकली मैं सबसे लास्ट में आ गया यहाँ पर। तो मैं खुल के बात करूँ। अच्छा सर, ऐसा है, मैं वहाँ पर एक फर्स्ट एडर के तौर पर काम करता हूँ। पोस्ट में लगभग 80 से 150 तक बंदे मेरे अंडर में रहते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल फर्स्ट एड के लिए वहाँ पर एज ए मेडिकल इंचार्ज वगैरह, जो होल सोल अपने पास ही वहाँ पर वो रहता है। तो मैं खुद ये होने के बाद भी एलोपैथी का बिल्कुल अगेंस्ट हो चुका हूँ, क्योंकि मुझे एलोपैथिक ट्रीटमेंट में, जब मैंने 2008 से, मुझे एक साथ 5 बीमारियाँ हुई थी, जिसमें सबसे पहले मम्स शुरू हुआ था, मम्स, फिर 2 महीने तक लगातार ये स्वेलिंग सबसाइड नहीं हुई, फिर उसका कॉम्प्लिकेशन फिर हो गया कफ वगैरह, कफिंग वगैरह स्टार्ट हो गई, फिर वो कफिंग स्टार्ट होने के बाद फिर पूरे बॉडी में लिम्फोडेनोपैथी हो गई, फिर लिम्फोडेनोपैथी पूरे नोट्स वगैरह बॉडी में, पूरे नोट्स और हिपेटोस्प्लेनोमेगाली हो गया, उसके बाद पूरा बॉडी बिल्कुल। लेकिन मैंने कभी हिम्मत हारी नहीं और मैं आज भी बिल्कुल हिम्मत ही मर्द और मदद ही खुदा के इस प्रिंसिपल पर चलता हूँ कि विल पावर आदमी की बहुत बड़ी चीज़ होती है, जो आदमी को मौत से भी वापस ले आती है। तो मैंने वहाँ पर लास्ट में, मैं जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, तो 2015 में मैंने अपने को एमएस में मिलिट्री हॉस्पिटल में दिखाया, और मिलिट्री हॉस्पिटल में दिखाने के बाद उन लोगों ने मेरे को डायरेक्टली इंसुलिन स्टार्ट किया था, और वहाँ पर 350-400 के करीब शुगर था। फिर मैंने 1-2 महीने ऐसे ट्रीटमेंट लेता था, फिर स्टॉप कर देता था, इंसुलिन वगैरह स्टॉप किया, फिर कंटिन्यू मैंने 5-6 महीने कभी लिया नहीं इंसुलिन। उसके बाद ऐसे करते करते मैं वहाँ पर, ज़रा प्रॉब्लम बहुत आती है रिमोट एरिया में, वहाँ पर जो भी है वहाँ पर कोई खाने पीने का ये बहुत प्रॉब्लम्स वगैरह होती है, वहाँ पर मैनेज नहीं कर पाता है, इंडिविजुअल के लिए बहुत दिक्कत होती है, और वहाँ पर मेडिकल से लोग ऐसे भी डरते हैं वहाँ पर छुपाने के लिए, क्योंकि उनके कैरियर पर धब्बा आता है उधर, और तो इस वजह से बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। लास्ट में मैं 7-8 महीने पहले आपसे कॉन्टेक्ट हुआ, ऐसी वीडियो अपने यहाँ पर देहरादून में एक डॉक्टर ब्रिजेश कुमार हैं, न्यूरोपैथी, ये नेचुरल होम्योपैथी के डॉक्टर, तो उन्होंने मुझे आपका वीडियो वगैरह भेजा, और आपके वीडियो को देखने के बाद मैं फिर इंस्पायर्ड हुआ आपसे, और मैंने डिसीजन लिया कि मैं वहाँ पर कोई भी, मैंने ट्रीटमेंट वगैरह स्टॉप कर दिया। तो वहाँ एंडोक्राइनोलॉजी को दिखाने के बाद भी मैंने बोला मुझे ये ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, क्योंकि इसका एक चीज़ तो सबसाइड करेगा, ये एक सिम्टम्स को सबसाइड करेगा, लेकिन उसके कॉम्प्लिकेशन तो 5 और पैदा कर दे रहा है ये। उसके बाद लेकिन वहाँ पर डाइट कंट्रोल प्रॉपर नहीं होने के बाद मैंने 3-4 फ्रूट्स वगैरह कंटिन्यू यूज़ किया था, जैसे केला और संतरा और सेब, ये मैंने कंटिन्यू यूज़ किए थे 12 बजे तक। उसके 3-4 महीने के बाद मुझे पहले तो इम्प्रूवमेंट हुआ, बाद में क्या हुआ कि मुँह में खट्टा खट्टा पानी जैसा बनने लग गया, और धीरे 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 बाद में ये पैरों में नमनेस बढ़ गई नीचे, और क्रैम्प्स वगैरह बहुत आने लग गए 3-4 महीने के बाद, और वेट तो गेन होने का कोई मतलब, वेट गेन नहीं हो रहा, और भी थोड़ा कम हो गया, 51-52 से 47-46 में आ गया था। फिर लास्ट अभी 1 महीने पहले मैं छुट्टी आया, और मुझे अभी, मैं इसी के लिए बेसिकली छुट्टी आया था, ये रजिस्ट्रेशन तो मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही किया, मैं जाने 11 तारीख की फ्लाइट थी मेरी, वो कैंसिल कर दी मैंने देहरादून से इसी में, और ये रजिस्ट्रेशन मैंने 9-10 को कराया लगभग। उसके बाद मैं यहाँ पर जब आया तो मैंने वहाँ, मैं ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा शुरू हो गई थी छुट्टी आते वक्त, मैंने अपने आप से इंसुलिन वगैरह शुरू किया, वो लोग मुझे ह्यूमन मिक्सचर, एक ग्लार्जिन वगैरह स्टार्ट किया था, तो मैं प्लेन इंसुलिन लेता था, ह्यूमन मिक्सचर्ड वगैरह वो मैंने शुरू कर दिया, 10-10 यूनिट वगैरह शुरू कर दिया, उससे भी फिर थोड़ा सा उसी दिन से बिल्कुल थोड़ा कंट्रोल हो गया, और फिर धीरे 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 अभी मैं क्या, वो मतलब 15 दिन से लगभग क्या हो रहा, बॉडी में पूरी स्वेलिंग्स वगैरह आ गई हैं, पैरों में स्वेलिंग वगैरह आ रही हैं, और बॉडी थोड़ा सा वो लग रहा है, एनर्जी लेवल तो पिकअप हुआ अभी, ऐसा एनर्जी लेवल चलने फिरने से खाने ऐसे मुझे कोई दिक्कत वगैरह है नहीं, लेकिन पैरों में स्वेलिंग आ रही है, और मैंने इसका टेस्ट वगैरह KFT LFT वगैरह कराया, तो 2 जगह तो KFT जो है वो नॉर्मल दिखाया उन्होंने उसमें, लेकिन HbA1c मैंने, मुझे टेस्ट पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, एक जगह 6.8 दिखाया मैंने, दूसरे जगह किया तो मुझे, मैंने बोला कभी ये तो हो नहीं सकता था, 12.5 दिखाया वहाँ, और एक्चुअली वो रियली है, वो मैं खुद ही उसमें बात करने वाला था, क्योंकि वो शुगर 350 और 550 तक आ रहा था, PP 550, फास्टिंग 350,
तो मैं बोला ये एक महीने से सिम्टम्स भी शुरू हो रहा है और 6.8 कैसे आ गया ये, या दूसरा लीवर फंक्शन टेस्ट में है इसमें अल्कलाइन फॉस्फेटेज 210 तक लगभग बढ़ा हुआ था ऐसे ही, और OTPT स्लाइटली रेज हुआ था 60-70 के आसपास एंजाइम्स हो रहे हैं। तो मुझे उस पर भी मतलब रियलाइज नहीं हुआ उस टेस्ट पर वगैरह। लास्ट में शी पेप्टाइड वगैरह कराया था तो शी पेप्टाइड में 0.08% दिखाया उसने 0.08। तो मैंने दिल्ली में दिखाया था वहाँ पर एक हॉस्पिटल में एलोपैथिक डॉक्टर को, तो उन्होंने बोला आपका शी पेप्टाइड तो बन ही नहीं रहा, इंसुलिन तो प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है बिल्कुल, और आपको बाहर से लेना ही पड़ेगा, और यही एक कॉलम है, और बाद में धीरे धीरे मैनेज करना है, बस ओनली मैनेज है उसके लिए। तो मैं यहाँ पर आपके सजेशन के लिए यहाँ पर पहुँचा हूँ। देखिए इसमें यू स्टार्टेड विद मल्टीपल डिजीज़ है ना, 3-4 तरह के इलनेस से शुरू किया, फिर इंसुलिन का आपका रिजीम चला, फिर आपने डाइट लिया, इंसुलिन भी बंद हो गया, फिर दोबारा इंसुलिन शुरू हुआ और कॉम्प्लिकेशन शुरू हुई। अभी जो प्रेजेंट कंडीशन आपका है वो स्वेलिंग का कंडीशन है विच इज़ प्रॉब्लमेटिक, और ब्लड शुगर भी आपका कंट्रोल में नहीं है, ये दोनों चीज़ बहुत ज़्यादा मेन मुझे लग रहा है। तो आपको स्वेलिंग के लिए मैंने सबको पहले भी एक दो बार बताया मैंने कि जब भी आप अगर DIP डाइट में से अगर प्लेट 2 माइनस कर पाएँ सिर्फ लंच में तो स्वेलिंग इट गोज अवे, ठीक है, 3-4 दिन से लेकर हफ्ते में चला जाएगा, लेकिन चला जाए और दोबारा ना आए तो 3 वीक्स टाइम इट टेक्स इफ़ यू कैन कंटिन्यू विद DIP डाइट माइनस। अब DIP डाइट जब बोलते हैं तो वो 100% आपके केस में कम से कम 100% आपको करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगा आपकी बातों से जैसे आपने बताया कि कर तो रहे थे लेकिन वो पूरी तरह से नहीं हो पा रहा था, है ना, तो जब पूरी तरह से नहीं होता तो फिर रिजल्ट क्या आएगा, कितना रिलायबिलिटी होगी, वो भी एक क्वेश्चन मार्क है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि उसको पूरी तरह फॉलो कीजिए, और जहाँ तक मैंने देखा है कि मैं तो हर जगह आपकी तरह घूमता हूँ पूरे देश दुनिया में, आज तक कोई ऐसी जगह तो मुझे मिली नहीं जहाँ पे रह के बिना किसी की मदद के हम 100% फॉलो ना कर पाए, ऐसी कहीं नहीं मिला। हाँ ये हो सकता है कि एक पर्टिकुलर फल या सब्जी ना मिलता हो, लेकिन ये नहीं हो सकता कि फॉलो ना कर पा रहे हो ठीक से 100% 200% फॉलो ना, मैं तो हर जगह कर पाता हूँ। तो मैं तो यही प्रायोरिटी रखता हूँ कि आपको 100% फॉलो करना चाहिए, और DIP डाइट इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट वाला वो अलग है, वो आज आपको शाम वाले उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो सिर्फ सिंपल DIP डाइट से शायद आपको काम नहीं चलेगा क्योंकि कॉम्प्लिकेशन बढ़ा हुआ है, इंसुलिन भी लेना पड़ रहा है, तो आप DIP डाइट इंसुलिन वाला वो फॉलो करेंगे, और वो क्या है, कितने दिन फॉलो करना है, वो सब उसमें ही लिखा हुआ जो आपको मिलेगा आज।